बहुत रोचक मुकाबला, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स ने शुरुआत की थी, खासकर जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके बाद अच्छी वापसी की है बंगाल टाइगर्स ने। दो विकेट लिए थे बिना किसी रन के, यानी 37 पे पहला विकेट गिरा, 37 पे दूसरा विकेट भी गिरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे एक साझेदारी पनपती हुई, खासकर राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बहुत काबिले तारीफ। देवराज, जिन्होंने कि अपने पहले ही ओवर में एक विकेट दिलाया था अपनी टीम को दर्शन के रूप में, और एक अच्छा पहला ओवर था। फिर से साइड स्क्रीन के पीछे कुछ मूवमेंट, जिसकी वजह से एक बार फिर गेंद नहीं हो पाई। बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेट्स रुपीज 1000 फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन CCL 2015। आपको याद दिला दे कि ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पार्ट बाय पार्ले 2020 कुकीज के आज के पहले मुकाबले में 300 से अधिक रन बने थे। बेहतरीन शॉट, एक खूबसूरत शॉट देवयान, क्या बात है। बिल्कुल खुश उस शॉट से, हाफ वॉली जरूर थी पर उसको अच्छी तरह से खेल दिया मिड विकेट की तरफ, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल। यहां पे एक रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी जरूर तालमेल में कमी हुई थी। एक रोचक पोजीशनिंग ले रहे हैं यहां पे अमिताभ, अगर आप नोटिस करें अमोल, तो ना ज्यादा पीछे है ना ज्यादा आगे, बिल्कुल बीचों बीच। ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी रणनीति है, क्योंकि अगर उस बैट्समैन का एज लगे तो इतनी जल्दी निकल जाएगी तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा। और इस बार खेल दिया है बिल्कुल गैप में, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से होती हुई, चार रनों के लिए। पावर प्लेज खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रन गति में कोई रुकावट नहीं आई है, लगभग 10 रन प्रति ओवर तक अभी भी चल रही है। और कर्नाटका बुलडोजर्स ये अगर मैच जीत जाए तो आपको याद दिला दे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और वहीं बंगाल टाइगर्स के लिए आज करो या मरो की स्थिति है, जानते हुए दोनों टीम अच्छे जज्बे और जुनून के साथ इस मुकाबले को खेलती हुई फिलहाल। और अब तक की जितनी भी बल्लेबाजी देखी है अमोल, उससे यही पता चल रहा है जो हम पहले मैच में भी डिस्कस कर रहे थे कि हालांकि वीर मराठी के कई सारे विकेट शुरू में गिरे थे, लेकिन ये बहुत अच्छी सतह है बल्लेबाजी के लिए। हाँ बिल्कुल, अच्छी सतह हमेशा जानी जाती है, ये बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी सतह होती है। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, डोनेट नाउ एट rudeya.com टू सेव लाइफ। बंगाल टाइगर्स जिनके की ओनर हैं बोनी कपूर, और साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं पायल और शायंतिका, फिलहाल गेंदबाजी करते हुए देवराज फिर से आक्रामक स्ट्रोक, लेकिन अब थोड़ा सा फील्ड फैला हुआ है तो आसानी से बाउंड्रीज मिलना उतना आसान नहीं होना चाहिए, हालांकि इस ओवर में दो बाउंड्रीज लग चुके हैं। क्या बैटिंग कर रहे हैं यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स। ये एक और बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट, इसी के साथ ओवर की समाप्ति 68 पे 2। माफ कीजिएगा, एक गेंद अभी भी बची हुई है, यानी 69 का स्कोर होगा और दो विकेट गिरे होंगे और एक गेंद अभी भी बची होगी।
बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट काफी अच्छी थी वहां पर, आपने सही कहा, और इस बार भी प्लेसमेंट बेहतरीन, लाजवाब बैटिंग ध्रुव द्वारा। 73-2 सात ओवर की समाप्ति। बंगाल टाइगर्स की गेंदबाजी क्रम में किसी को आज नहीं बख्शा गया है। इंद्राशीष शायद सबसे अच्छे इंप्रेसिव गेंदबाज रहे हैं, एक विकेट जरूर लिया था उन्होंने और 27 रन दिए तीन ओवर में, और उनकी इकोनॉमी रही है 9 रन, कह रहे अब बढ़िया गेंदबाजी, पर इससे साफ जाहिर होता है कि क्या बल्लेबाजी की है कर्नाटका बुलडोजर्स ने। दो विकेट जरूर गवाए उन्होंने, पर अब जो हिसाब से ये रन्स बनाए बिल्कुल काबिले तारीफ। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन यहां पे कैच ताब ने, और राहुल जानते हैं बहुत भाग्यशाली थे। फिर से इंद्राशीष द बॉलर टू सफर, ही हैज बीन अनलकी ऑन अ फ्यू ओकेजंस टुडे। हम यही कह रहे थे पिछले ओवर में कि काफी नजदीक खड़े रह रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े से पीछे खड़े थे, तो फिर भी मेरे हिसाब से काफी नजदीक। तीन बार उछाला और एक आसान सा कैच था। अल्टीमेटली इट गोज इन द ड्रॉप कॉलम। सबसे बढ़िया चीज इस छोटे से साझेदारी की रही है अमोल की, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कॉशन और अग्रेशन को मिक्स किया। हालांकि पिछली गेंद पे जिस तरीके से चांस दिया था वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था, उसके अलावा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और बीच बीच में जब लूज बॉल्स आए तब उसका भरपूर फायदा उठाया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मोमेंट दे गिवन एन अपॉर्चुनिटी, दे लैच्ड ऑन टू इट। Would have been a different picture if Dhruv would have been given out and this catch would have been taken. It would have been 74-4 altogether, a different proposition after that. Edged and fallen short of the point fielder, couldn't put hands to it. He fetched Dhruv another bound. पॉइंट पे जो फील्डर हैं, अगर ऐसी मिस्टेक उन्होंने की होती स्कूल क्रिकेट में तो जरूर टीचर उन्हें 10 या 12 लैप्स के लिए भेजते, बॉडी को बिल्कुल बॉल के पीछे नहीं रखा। जी हाँ, और हाथ भी नहीं, हाथ को भी नहीं लगा। पर एक अच्छा चौका, अच्छा चौका ध्रुव के लिए और कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। बहुत अच्छे रन रेट के साथ चलती हुई फिलहाल कर्नाटका बुलडोजर्स। आपको बता दें कि फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/ccl2020। फिलहाल करंट रन रेट जो चल रहा है वो 10 के ऊपर, यानी इस रेट से अगर चलते रहे तो 200 से ज्यादा आसानी से बन सकते हैं। एक और करारा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ पे। नाइस शॉट, हाथ जैसे निकाल दिया बॉलर ने, इतनी तेजी से गेंद गई, बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पे वहां पर।
जाने दिया उस गेंद को। आठ ओवर के बाद 79 पे दो।